क्या अपनी दादू है ना न्यूज़पेपर वाले से झगड़ा कर रही है और पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे तुझे सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बीजी तो ऐसी ही है और वैसे भी ये जो अखबार वाले के साथ झगड़ा कर रही है ना ये इतने सालों से चलता ही जा रहा है। हाँ 2 साल वो बाहर थी ना तो इसीलिए हिसाब पूरा कर रही होंगी। करने दे उन्हें झगड़ा, इसे झगड़ा नहीं कहते, प्यार भरी नोकझोंक कहते हैं। अच्छा वैसे दीखा और एक मिनट आप ये कर क्या रहे हो? ये मैं प्रीता के लिए नाश्ता बना रही हूँ, गरम गरम पूरी हलवा और भी कुछ है स्पेशल। बहन जी आते ही उसे क्लिनिक जाने की क्या जरूरत थी, 2 साल बाद बच्ची घर आई है, कम से कम आपको तो उसे समझाना चाहिए कि एक दिन काम पे ना जाए, एक दिन तो हमारे साथ रह ले। जान गया आंटी, एक दिन मेरी दी के लिए बहुत बड़ा होता है और जहाँ बात है आराम की तो दी आराम नहीं करती। देखना अभी बेडरूम में रेडी हो रही होंगी अपने नए क्लिनिक जाने के लिए। सुंदर बनाया मैंने हलवा, इतना सारा ड्राई फ्रूट डाला, अपनी चम्मच डाल के ना इसको खराब करती रहेगी, पहले यहाँ डालेगी यहाँ डालेगी यहाँ डालेगी यहाँ डालेगी। प्रीता के लिए बना रही थी। जानकी एक काम कर, वो जो उसका पुराना वाला टिफिन है ना वो बाहर निकाल ले, अच्छे से उसको धो ले और उसका टिफिन भी पैक कर दे। तुझे तो पता ही है एक बार क्लिनिक के लिए निकलेगी ना तो उसे खाने पीने का सुधी नहीं रहता, कुछ नहीं खाए पिएगी, ऐसी भूखी रह जाएगी। हाँ ना बहन जी, 2 साल घर से बाहर रही है, पता नहीं क्या खाती थी क्या नहीं, कितनी दुबली हो गई है। जानकी आंटी आपकी आंखें हैं या बटन, आपको दिखाई नहीं देता दी कोई दुबली वुबली नहीं हुई है? दी पहले जैसे थी वैसे आज भी है। वैसे मम्मा मैंने एक बात नोटिस की है। क्या? जब से दी आई है आप तो मुझे भूल ही गए हो, मतलब जब से दी आई है तब से आप प्रीता मेरी बच्ची प्रीता मेरी बच्ची, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि सृष्टि बेटा क्या खाओगी, हाँ कुछ बना दो तेरे लिए। बेटा पिछले 2 साल से जो तुझे पसंद है ना मैं वही बना रही थी, तू बोलती थी माँ दाल मखनी बना दो मैं वो बना देती थी, राजमा बना दो वो बना देती थी, खीर बना दो वो बना देती थी, उसमें ज्यादा काजू डालना तो सारे काजू उसमें डाल देती थी। 2 साल बाद आई अगर उसके लिए आज बना दिया तो इतना जल क्यों रही है तू? है मुझे पता है उसे हलवा बहुत पसंद है इसीलिए उसके लिए हलवा बनाया है, और साथ में उसे ये किशमिश काजू बादाम, वहां अकेली थी तो मेरे हाथ का हलवा तो नहीं मिलता होगा ना, इसीलिए बना रही हूँ। चल एक काम कर तू जाकर देख, मैं ऐसे ही ख्वाब सा जा रही हूँ कि गरम गरम पूरी खाएगी, हो सकता है ना कि वो उठी ना हो, अब तक सो रही हो। जा 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 के देखिए। ठीक है मैं चेक करती हूँ। दी दी सृष्टि धीरे ठोक पुत्र, कहीं दरवाजा मत तोड़ देना। अरे शुक्र कर उसे अब तमीज आ गई है, अगर पहले जैसी होती ना बिना तमीज वाली तो ऐसे नहीं खटखटाती, अरे ऐसे ही घुस जाती, पूछती भी नहीं किसी को, कम से कम खटखटा रही है, इतनी तमीज आ गई है। माँ इसे तमीज नहीं मजबूरी कहते हैं। दीने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है इसलिए मैं नॉक कर रही हूँ। चल चल तू गरम गरम पूरी बना फटाफट, चल आ जा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? आपको पता है माँ ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा है ये चेक करने के लिए कि आप तैयार हो या नहीं, आप उठ गए हो या नहीं। उठ गई हूँ या नहीं? तुझे लगता है कि मैं इतने बजे तक सो रही होंगी? नहीं दी, मुझे पता है आप तो धन्य है, आपकी सुबह तो सूरज आने से सूरज उगने से पहले हो जाती है। अरे बाप रे, अभी ग्लास गिर जाता। ग्लास गिर जाता तो अच्छा ही होता, बला टल जाती। क्या हो गया? तुझे और तेरी बातों को इतना मिस किया ना मैंने। Really? कितना झूठ बोलते हो दी, कितना झूठ बोलते हो, मुझे मिस किया? अगर मुझे मिस किया होता ना तो आप इन 2 सालों में मुझसे मिलने आते, लेकिन नहीं आप इस शहर को छोड़ के या चले गए, आपने दोबारा मुड़ के तक नहीं देखा। मैं तो अभी भी मुड़ के नहीं देखती, अगर मेरी ट्रांसफर नहीं होती है तो मुझे कौन सा चॉइस दी गई थी कि कौन से शहर जाना है बता दो, अगर मुझे बताया होता कि यहाँ की ट्रांसफर हो रही है तो शायद मैं लेती भी नहीं। क्यों, इस शहर ने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं एक मिनट, आपको अभी भी यही लगता है क्या कि जस्ट बिकॉज इस शहर में लूथराज रहते हैं दैट्स वाई आपको शहर में नहीं आना है? दी ये शहर सिर्फ लूथराओं का नहीं है, हमारा भी है, ये शहर सबको प्यार देता है।
और वैसे भी वो पास था, जो बात बीत चुकी है उसे याद भी क्यों करना, अब तो ऑल इज वेल। दो साल बीत गए हैं, जब इतने सालों का रिश्ता एक पल में टूट गया था। नहीं दी, दो साल बीत गए हैं उस बात को जब आपको आजादी मिली थी, और वैसे भी वो लूथराज आपके लायक नहीं थे, और ये बात आपको भी पता है। एनीवे, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, अब तो सब मूव ऑन कर चुके हैं, वो लोग भी और हम लोग भी, आप भी, है ना? इतना आसान होता है क्या मूव ऑन करना? मूव ऑन करने के लिए उस जगह से दूर जाना पड़ता है, उस शहर, उन गलियों से दूर जो तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाए। अच्छी खासी कोसों दूर बैंगलोर में बैठी थी, अपने हॉस्पिटल जाती थी, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती थी, और उसी में वक्त गुजर जाता था। पता नहीं क्यों जिंदगी मुझे वापस इस शहर में ले आई, भगवान ना करे कि वो गर्मा गर्म पूरी और वो हलवा और आलू। इधर आजा, आ बैठ। तुझे पता है ना, समय से बड़ा कुछ भी नहीं। दो साल बीत गए, बहुत बड़ा समय होता है दो साल। इन दो साल में तू हमारे साथ नहीं थी, तू वहां थी और हम यहां। मैं जानती हूं कि जितनी भी यादें हैं तेरी, सब तो नहीं भुला पाई होगी तू, पर उनमें से बहुत सारी जो है ना, उन्हें भुलाने की कोशिश की होगी तूने। बस अब थोड़ी सी रह गई होंगी, शायद थोड़ी निशानियां। अब देखना, जल्दी ऐसा होगा कि जो सारी पुरानी यादें हैं ना, जिन्हें तू याद नहीं करना चाहती, वो तेरी जिंदगी से दूर चली जाएंगी, और तू पहले जैसी हंसती खेलती मेरी प्रीता बन जाएगी। हाँ पुत्र, वैसे भी इन दो सालों में उन्होंने बहुत भुगता है। जानकी आंटी क्या कर रहे हो अब? नहीं, हमें थोड़ी ना पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, और हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं। वो तो ये इसलिए कह रही है कि तूने तो सबको संभाला हुआ था ना, तू उस घर में सबको जोड़ के रखती थी, और उन्होंने तेरा दिल दुखाया। तेरा, अगर तेरा दिल दुखाया है तो वो भी खुश तो नहीं होगी, उनका दिल भी जरूर दुखा होगा। जैसे पहले थे वैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे। किसी अच्छे इंसान का दिल जो दुखाता है ना, वो कभी खुश नहीं रहता, इसीलिए कह रही है इस। और मेरा दिल भी दुखा है, तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, और दो साल कैसे रही हूं ना, मैं ही जानती हूं। लेकिन तेरा फैसला था, तू चाहती थी तू इस शहर से दूर जाए, ताकि तू सब कुछ भुला पाए, अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू कर पाए, और मुझे लगता है कि तूने बिल्कुल सही फैसला किया। हाँ, अच्छा लग रहा है कि तू वापस आ गई, तुझे इस घर में देखकर अच्छा लग रहा है हम सबको, है ना? बस अब आ गई है ना, अब कहीं नहीं जाने दूंगी, हम सब साथ में रहेंगे बिल्कुल पहले की तरह, हंसते खेलते, और जो जो बोलेगी ना, जो जो तुझे पसंद है खाने को, वो मैं रोज बनाऊंगी। माँ, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जो कुछ भी हुआ वो दो साल पहले की बात है, मेरा अतीत है, और अब मैं अपने अतीत को अपने प्रेजेंट या कल में बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और ये बात भी सही है, हम मुंबई शहर है, बहुत बड़ा शहर, बहुत से रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, कभी गलती से भी उनकी गली में मैं पैर नहीं रखूंगी, और वो भी हमारे घर के आसपास क्यों आएंगे? ठीक है, हम यही रहेंगे हंसी खुशी एक साथ। तुझे पता है, तेरे लिए ना मैंने पूरी, आलू, हलवा सब बनाया,
और बहुत सारे मेवे डालकर जानकी जरा पकड़ा ना, और इसे एक भी नहीं दिया, सारा चट करना चाहती थी। आजा। ये मुकुल, मुकुल आ। अरे मम्मा कितना छोटा लुकमा खिला रही हैं। अरे यूं ऐसे बड़ा बड़ा खिलाओ ना, आपने मुझे खाने नहीं दिया था ना। आप दी को अच्छे से तो खिलाओ। हाँ तो तेरे लिए खिलाती हूँ ना तुझे मैं। आजा आकर चल। हाँ मेरा बच्चा, अब रोज तो तू अपने हाथों से ही खाएगी, तो मैंने सोचा कि आज इतने दिनों तो दूर रही ना, तो इसलिए अपने हाथों से खिलाती थी। वाहे गुरु, मेरे इस परिवार को अब किसी की नजर ना लगे। अरे वाह, अपने घर में आके अपने पूरे परिवार को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों को बड़ा याद करती थी मैं, तुम लोगों तो याद ही नहीं किया होगा। आपको ऐसा लगता है? तू तो भूल ही गई होगी। रे बीजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको याद नहीं किया होगा? मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने याद किया, सृष्टि ने किया, जानकी ने किया, ये आपके पेपर वाले ने, धोबी ने, वो बी ब्लॉक वाली जो मिसेस शर्मा है ना, उन्होंने, उनके परिवार में सब ने, आपके टीवी ने, रिमोट ने, सब ने आपको बहुत मिस किया। दादू, आपके कफ सिरप ने भी आपको बहुत याद किया। चल झूठी, वो तो मेरे साथ था, वो करते याद करता। देखा मैं भूल गई ना, जानकी काम कर, वो जाके टिफिन ले आप इसका प्रीता का। आए अपना पेपर दादी। हाँ जी, पेपर भी ले आए, पेपर वाले से झगड़ा भी कराए, क्या मजा आया, क्या बढ़िया टाइम पास हुआ। शायद आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी उसे झगड़ा के। हाँ बिल्कुल। तेरा टिफिन और ये दही शक्कर। ये दे, मुझे दे। तू पहले टिफिन संभाल ले। क्या है ना, दही शक्कर खा लेना चाहिए, नए काम के लिए जा रही है 2 साल के बाद यहाँ से, तो सब काम शुभ हो देना। बाश। सृष्टि ना कमरे में जाना, वो पेपर पड़ा है वो क्लिनिक के एड्रेस का। अच्छा ठीक है, टेबल पे ही होगा सब काम। अच्छा जल्दी आ, नई जगह पर जा रही है ना, संभल के जाना, और कोई भी परेशानी हो तो फोन कर देना, ठीक है? जल्दी आ जाना, सब लोग ना रात का खाना साथ में बैठ के खाएंगे। वैसे ये शहर नया तो नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे नए शहर में आई हूँ और नई जॉब पर जा रही हूँ। माँ, दादी आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा की तरह ये काम भी अच्छे से संभाल पाऊँ। सरला वो क्या कहते हैं टीवी सीरियल वाले, तथास्तु। तथास्तु। दी क्लिनिक का एड्रेस। ओ हाँ, थैंक यू। संभल के जाना और जल्दी आ जा। ठीक है माँ, ओके बाय। द बेस्ट बेटा। थैंक यू जानकी। पूरे 2 साल बाद मुंबई आए, ये वो शहर है जो सपने दिखाता है और उन्हें पूरा भी करता है। मेरे भी कई सपने पूरे किए थे इस शहर ने, लेकिन एक ही पल में तोड़ भी दिए। आई विश माता रानी मुझे इस बार इस शहर में इतनी हिम्मत दे कि मैं यहाँ अपनी एक ज़मीन बना सकूँ, अपनी ज़मीन जो सिर्फ मेरी हो, जिसे छोड़कर मुझे कभी ना जाना पड़े। मेरे मन को इतना पक्का रखें कि मेरे दिल के दर्द को मेरी आंखों में कभी ना आने दें। भैया एक सेकेंड रुक जाओ। Thank you.
मैडम आज के जमाने में कौन किसकी हेल्प करता है? आपको तो जल्दी भी थी ना, लेकिन फिर भी आप रुकी उसकी मदद के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? दिख ही रहा था कि उन्हें मदद की जरूरत है, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ तो मैंने उतर कर मदद कर दी। आप भी याद रखना, अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हो तो जरूर करनी चाहिए। जी मैडम, आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में, तभी दुनिया चल रही है मैडम। मैडम आ गई। ओ सॉरी सर। थैंक यू। अरे भाई पकड़ो उनको जल्दी। ये लीजिए आपके पैसे। बरसों में कोई आती है तुम्हारे जैसी, जो दूसरों को सारे के लिए हाथ ही नहीं देती, बल्कि उनके हाथों में वो सब दे देती है जो उनके हाथों से छूट गया। मेरे दोनों हाथ खाली हो गए थे, तूने उन्हें फिर भर दिया। तुम जो भी हो, तेरा दिल ना बहुत पावन है। तुम ना अंधेरे में वो उम्मीद हो जो दूसरों के हाथों में वो दे देती है जो उनके हाथों से निकल चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो प्रीत है, मुझे ना तुझ में वो दिखाई देता है जो केसर या रंग कुदरत ने तुझे दिया है, कुदरत में रंग भरने के लिए। आंटी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो एक साधारण सी। तुमने सुना होगा ईश्वर जब किसी से आंख ले लेता है ना, तो उसे एक आंख ऐसी देता है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ देख सकती है। मैं भी वो सब कुछ देख सकती हूँ जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मैं ना देख सकती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और उसमें ना बहुत प्यार बहुत दर्द है। बेटा जरा तुम्हारा सर आगे करना, माता रानी तुम्हारे सारे गम दूर करे जो तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल में तुम्हारी जिंदगी में है। सुखी रहो बेटा। तुझे ना तुम्हारी कुंडली का वो भाग्य यहाँ लेके आया है जो तुमसे छूट गया था। वक्त तुझे आज उसी जगह पे वापस ले आया, उसी भाग्य के पास वापस ले आया है तुम्हें अपने भाग्य से मिलाने। तुम यहाँ से गई ना तब अधूरी थी, ये शहर तुम्हें वापस यहाँ लाया है तुम्हें पूरा करने। तू यहाँ खुद नहीं आई है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ लेके आई है तुम्हारी किस्मत का लिखा देने के लिए। माता रानी का हाथ सदैव तेरे सर पर है और सदैव रहेगा। अजीब है, आज 2 साल बाद मुंबई आई हूँ तो भी अजीब सी बेचैनी हो रही है। डर लग रहा है, उलझन सी है। डर लग रहा है कि भाग्य में जो लिखकर मिट गया कहीं फिर से ना आ जाए। मैं फिर से शायद वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस जिंदगी को उस दर्द को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, आगे बढ़ गई हूँ। पर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी कहानी फिर से वहीं से शुरू हो रही है जहाँ तब शुरू हुई थी, जब मैं सृष्टि के साथ पहली बार मुंबई आई थी इस अनजान शहर।
नॉट दिस एड्रेस. आई होप हम यहाँ नहीं जा रहे. ये मेरा भाग्य कैसा खेल खेल रहा है. पहली बार आई थी तब भी पता हाथ से छूट गया था और आज भी. अरे ये तो सामने ही है. थैंक गॉड. एक्चुअली मेरे साथ इस शहर में जो कुछ हुआ ना उससे मैं कुछ ज्यादा ही डर गई. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा.